और एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 24 आईएएस और एपीसीएस का तबादला हुआ है। अध्यक्ष राजस्व परिषद के अतिरिक्त प्रभार से हटाई गई राधा रतूड़ी। मनीषा पवार को अध्यक्ष राजस्व परिषद और अपर मुख्य सचिव पुनर्गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद वर्धन को अपर मुख्य सचिव वित्त और अवस्थापना विकास आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस रमेश कुमार सुधांशु से प्रमुख सचिव लोक निर्माण हटाया गया है। रमेश कुमार सुधांशु को प्रमुख सचिव शहरी विकास बनाया गया। डीआर मीनाक्षी सुंदरम से सचिव वित्त हटाया गया है, सचिव नियोजन बनाया गया है। और आईएएस नीतीश कुमार झा से सचिव पेयजल हटाया गया है, सचिव ग्रामीण विकास बनाया गया है। आईएएस अरविंद सिंह की बात करें तो उनको सचिव पेयजल बनाया गया है। और आईएएस सचिन कुर्वे को सचिव नागरिक उज्जैन बनाया गया है। आईएएस दिलीप जावलकर से सचिव नागरिक उज्जैन हटाया गया है। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र, ये जो बदलाव किए गए हैं रूटीन बदलाव है या फिर इसके पीछे की और कोई वजह? देखिए, बहुत लंबे समय से नौकरशाही में एक बड़े फेरबदल की बात चल रही थी और मुख्यमंत्री जैसे ही फ्री हुए हैं तो ये बड़े फेरबदल हुए हैं। देखिए, कुछ तो इसमें रूटीन है, कुछ ऐसे हैं जो डेपुटेशन पर थे वापस आए हैं और उनको चार्ज दिए गए और कुछ को ठंडा किया गया है। यानी कुछ लोगों को ये कहा जा सकता है कि उनका काम बेहतर नहीं था तो उनको अब कई विभागों से हटाया गया है। देखिए, बड़े नाम अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है, इस समय नंबर दो की पोजिशन में है। उनके बाद उत्तराखंड राजस्व परिषद था, वो हटाया गया। मनीषा पवार ये इलाज कराने के लिए बाहर गई थी, इनका स्वास्थ्य खराब था, अब वापस आ चुकी हैं, ठीक है, तो इनको राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा जो बड़े चेंजेस हुए हैं, आर के सुधांशु ये प्रमुख सचिव हैं और बड़े दिग्गज आईएएस में माने जाते हैं, तो इनको पीडब्ल्यूडी से हटा दिया गया है, शहरी विकास इनको दिया गया है। आर मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री के सचिव हैं, इनसे केवल सचिव वित्त हटाया गया, इनको सचिव नियोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो एक बड़ा फेरबदल ये हुआ है कि जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल नैनीताल में थे, इनका काम बहुत अच्छा लगा सीएम को, इनको हरिद्वार का डीएम भी बनाया गया है, इनको एचआरडीए का वीसी भी बनाया गया है, इनको मेला अधिकारी भी बनाया गया है। और ऐसे ही सुश्री वंदना थी अल्मोड़ा में, इनको नैनीताल का डीएम बनाया गया है। विनय शंकर पांडे, ये भी एक बड़ा नाम है। बिल्कुल सुरेंद्र डसीला, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।